राम राम जी, राम राम नहीं ले रहे, मंचासी इस राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हरिद्वार के लोकसभा सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय कृष्ण पाल गुर्जर जी, यहाँ समस्त मंच पर बैठे जनप्रतिनिधि, विधायकगण, सांसदगण, कार्यकर्ता, लोकदल के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे कार्यकर्ता भी यहाँ अच्छी संख्या में तादाद में आए हैं, और लिबरहेड़ी गांव तो उसका अपना एक लंबा राजनीतिक परिचय है। चौधरी चरण सिंह जी के समय से इस गांव ने बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए हमेशा किसानों की लड़ाई मजबूत की, और आज आपने यहाँ बड़ी संख्या में आकर हमारा हौसला बढ़ाया है। करतार बढ़ाना जो इस क्षेत्र के पर्ची निकली, करतार जी कहाँ है, इस क्षेत्र से हमारे साझे उम्मीदवार हैं, इन्होंने चौधरी अजीत सिंह जी के साथ भी काम किया और मैंने भी इनको बहुत करीब से देखा है, लंबा राजनीतिक अनुभव है। और अच्छी बात यह है कि कभी कभी राजनीतिक व्यवस्था से जो कोई आदमी जुड़ जाता है, सत्ता उसे पसंद आ जाती है, तो गलत फहमी और अहंकार पालना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये कभी मैंने करतार जी के व्यवहार में देखा नहीं है। वे कहीं अहंकार नहीं पालते, और जैसे आज हैं, आप आशीर्वाद दें, विधानसभा इनको भेजें, तो जिताने के बाद भी उसी अंदाज में, उसी तरीके से आपके साथ मेल करेंगे, मिलेंगे और प्यार देंगे, प्यार बांटेंगे, और ये बहुत बड़ा गुण है। हमारे इस राज्य के बीजेपी के अध्यक्ष भट्ट साहब भी, राज्यसभा सांसद भी हैं, वो हम लोग साथ बैठते हैं, बहुत मधुर अंदाज के व्यक्ति हैं और नरम व्यक्ति हैं, और ये उत्तराखंड का परिचय भी है। यहाँ तो क्योंकि पहले एक ही राज था और लगे हुए जिले हैं, लोग भी वही हैं, स्वभाव भी वही है, और ईमानदारी यहाँ का मूल चरित्र का हिस्सा है। रग रग में ईमानदारी कूट कूट के भरी है लोगों को, जो कोई दिल में बात नहीं रखता, यहाँ का आदमी दिल में बात नहीं रहती, जो है जुबान पे है और सीधी है, कोई लाग लपेट नहीं, कोई बिचौलिए की जरूरत नहीं, बात होंगी सीधी होंगी, और ये परंपरा लोकदल की भी रही है। मैं तो जानता हूं, हमारे भी यहाँ मंत्री अनिल जी और चंदन चौहान नौजवान सांसद हैं, इनकी भी बड़ी दुर्गति होती है, ये अपने क्षेत्र में जाते हैं बिजनौर में, पुरकाजी में, तो हमारे लोग कहते हैं भाई चलो ठीक है, अच्छा है, हमने जिता दिया, बाकी बात तो हम चौबीस साल से करेंगे दिल्ली आकर। तो वो लोकदल का कल्चर है, वो ये क्षेत्र का मिजाज है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपनों के बीच आया हूं। बड़ी जिम्मेदारी मुझे देश के प्रधानमंत्री जी ने सौंपी है, और जो मुझे मंत्रालय दिया गया है, सीधा ताल्लुक उस मंत्रालय का आपसे है। चौधरी चरण सिंह जी की कहावत आपको याद होगी, जिन्होंने बात कही थी, उनका मूल मंत्र था, जिस भी मेज पे वो बैठे, जैसी भी कलम आपने उनको पकड़ाई, वही बात उनका मूल मंत्र था कि देश के खुशहाली का रास्ता देश के खेत और खलियान से होकर गुजरता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से भारत सरकार में जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है कि देश के खुशहाली का रास्ता 21वीं सदी में आज की परिस्थितियों में, आज की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, आने वाले समय में जो देश को विकसित भारत का सपना हमने देखा है, अगर वह पूरा करना है तो देश के खुशहाली का रास्ता कुशल भारत होगा तो खुशहाल होगा। रास्ता वो है, नवीन विचारों से हमें नौजवानों को जोड़ना होगा, उनके कौशल विकास,
उनकी क्षमताओं में विस्तार कैसे हो, उनको अच्छे स्तर की शिक्षा कैसे मिले, इस पे एक विजन के साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा हो रही थी, अभी इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा परसों शायद की भी है, और इनका अपना एक विजन और अपनी एक कार्यशैली है। और अब एक और एक 11 हो गए। मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं कि जब आप दिल्ली आएंगे या मैं आऊंगा आपके पास, और आपके विजन को बेहतर तरीके से समझते हुए उसको क्रियान्वयन करेंगे, ताकि हमारे उत्तराखंड में और खास तौर से मंगलोर और हरिद्वार के क्षेत्र में हम यहां के नौजवानों को सरकारी योजनाओं का पाई पाई का जो हिसाब भी देंगे और लाभ भी पहुंचाने का काम करें। और लंबी चौड़ी बात, क्योंकि चुनावी मंच है और मुझे जाना भी है, लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक और दो बिंदुओं पे प्रकाश डालना चाहूंगा। आपने हमें देखा है, किसानों की बात करते करते पार्टी ने हमेशा यह कोशिश की कि चाहे विपक्ष में रहें चाहे सत्ता में रहें, किसान की बात को मजबूती दी जानी चाहिए। और हमने क्योंकि उस तरफ भी हम रहे, आज एनडीए के घटक दल के तौर पे हम काम कर रहे हैं, अंतर साफ दिखाई देता है, सोचने के तरीके में, काम करने की भूमिका है, जमीन और आसमान का अंतर है। और इसलिए देश के आवाम ने, देश की जनता ने, उत्तराखंड ने तो कमाल कर ही दिया, और देश ने भी कमाल किया कि ऐतिहासिक तीसरी बार मैंडेट, कितने सालों बाद किसी को नहीं मिला, नरेंद्र मोदी जी में विश्वास करते हुए तीसरी बार आपने एनडीए की सरकार बनाई है। तो मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, और प्रधानमंत्री जी का विजन है, वह दो ही बात कहते हैं, सबसे पहले सैचुरेशन होना चाहिए, यानी योजनाएं दिल्ली तक कैद ना रहे, कागजों तक सीमित ना रहे, व्यावहारिक तरीके से उनका क्रियान्वयन जमीन तक पहुंचे। और वो इन्होंने मोबाइल फोन तो पहले भी थे, बैंकों में लोगों के खाते पहले भी थे, लेकिन पूर्व की सरकारें जो नहीं कर पाई वे उन्होंने करके दिखाया है कि जब कोई लाभार्थी चिन्हित हो जाता है और सरकारी योजना उसके लाभ के लिए बनाई जाती है, तो किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं, सीधा खाते में वो पैसा भेजने का काम करते हैं। 18वीं किस्त किसान के लिए दी गई, और आपने अभी देखा संसद में जो चर्चा थी उसमें उन्होंने बात रखी, यूपीए 2 यूपीए 1 के टाइम कुछ 70,000 करोड़ का कर्जा माफ किसानों का करने की घोषणा की गई, और उसी चक्कर में चुनाव यूपीए 2 बना, चुनाव जीत गए। किसानों ने बाद में संपर्क मुझसे किया, जो बात समझाई, कहा कि सबको लाभ नहीं मिला, लेकिन जो 18 किस्त में देश के करोड़ों किसानों को लाखों करोड़ रुपए दिए गए हैं वो सीधा किसान को मिल रहे हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा, उसमें चिन्हित नहीं किया जाता किस जाति से हो। अगर आप किसान हो तो भारत सरकार के नजर में आप अन्नदाता हैं, और आपका सम्मान पूरी तरीके से रखा जाएगा। ये इच्छा शक्ति को जाहिर प्रधानमंत्री जी ने करके किया है, और वह उनका ट्रैक रिकॉर्ड। दूसरी बात जो वे कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अलग अलग मंत्रालयों को जैसे घोड़े के यहां लग जाता है ना, कोई दाएं बाएं ना देख पाए, ऐसे काम नहीं करना, सबको परिवार की तरह काम करना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो कौशल विकास का मेरा मंत्रालय है, देश में ऐसा कोई मंत्रालय नहीं जिसके साथ हम लोग मिलकर काम नहीं कर रहे, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे कृषि मंत्रालय हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, सभी मंत्रालयों में मिलकर योजनाएं बनाई जाती हैं और उनको व्यवहारिक किया जाता है। तो ये दो बात प्रधानमंत्री जी की हैं जो मैंने बहुत करीब से देखी हैं और यहां बतानी बहुत जरूरी थी। और तीसरी बात यह है कि जिन लोगों की कभी देश में गिनती नहीं हुई, क्योंकि लोकतंत्र में जो बिरादरियां हावी रहती हैं उनकी गिनती तो स्वाभाविक है, वो दिखाई देता है तो गिन लिए जाते हैं। सर, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए सरकारी योजना कभी नहीं बनी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले साल एक योजना की घोषणा हुई है,
और उसमें जो कौशल विकास जो प्रशिक्षण का काम है वो मेरा मंत्रालय कर रहा है। इससे पहले कभी कुम्हार के लिए जो लोग मूर्ति बनाते हैं, जो खिलौने बनते हैं, जो बास्केट बनाते हैं बेंबू से, जो नाई समाज है, नाई समाज आपको हर गांव में मिल जाएंगे, ऐसे समाज के लोगों और ऐसे काम करने वाले लोगों के लिए कभी कई देश में कोई योजना बनी थी क्या? आपने देखी है, कोई जानकारी थी? कभी नहीं बनी। पिछले साल घोषणा हुई है 3 साल की योजना 13,000 करोड़ रुपए है। मैं आपको भी न्योता देता हूं इस योजना को भी बेहतर तरीके से, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को आप भी समझिए और उसे गांव-गांव तक जो हमारे लाभार्थी हैं उन्हें प्रेरित कीजिए कि वो आगे आए और इस योजना का पूरा लाभ लें। ये मंगलोर जो है किसानों की भूमि है और इस क्षेत्र का बड़ा योगदान देश को यहां तक पहुंचाने में, देश की विकास यात्रा में इस क्षेत्र की बड़ी भूमिका। स्वतंत्रता संग्राम में भी चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, गांव गांव में यहां के लोगों के अंदर क्रांति के स्वर उठे, जागे, एक आग बनी और आपने यहां बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। तो मैं यहां की वीरों की इस मिट्टी का को सलाम करता हूं। मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं और मैं अपनी तरफ से वादा भी करता हूं, ये चुनाव की घड़ी है, हम कोई ठोस बात नहीं कर सकते, आचार संहिता है, लेकिन हम लोग मिलकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी भी करना चाहते हैं, अभी शुरुआत हुई है किसानों के लिए जो काम हो रहे हैं, आप देखना किस तरीके से एमएसपी की व्यवस्था में हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचाएं, जहां मंडियां नहीं बनी वहां मंडियों का निर्माण हो। और इस क्षेत्र में क्योंकि गन्ने की फसल तो बढ़िया है ही, बागवानी भी है और हॉर्टिकल्चर भी है, तो बागवानी और हॉर्टिकल्चर की उस खेती को भी विकसित करने के लिए विशेष योजना परियोजना की जरूरत मैंने महसूस की है और मैं समझता हूं कि इसमें राज्य सरकार विशेष पहल भी करेगी, योजना भी बनाएगी और सीधा आपको लाभ पहुंचाने का काम भी। मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, पूरे 5 साल आप मुझसे मांग सकते हो कि नहीं मांग सकते हो? अब मेरी घड़ी है, ये वक्त मेरा है। मैं आपसे कहने आया हूं पूरा दिल खोल के करना। करतार जी आपके प्रत्याशी हैं और करतार जी को दी गई एक एक वोट, मतदान करतार जी के पक्ष में जो होगा वह मंगलोर के लिए वरदान साबित होगा। आज तक एनडीए की जीत इस सीट पे हो नहीं पाई, एक नया कीर्तिमान बनाना है और करतार जी चुनौती चुनते हैं, आसान काम करना चाहते भी नहीं शायद। तो ये चुनौती करतार जी ने स्वीकार की है कि आप करते हो कि नहीं करते हो? भाई उधर वाले सुस्त हैं, करते हो नहीं करते हो? दोनों हाथ उठा के कह रहे हो तो वोट पड़ेगी नहीं पड़ेगी? सिंबल कमल का फूल, नलके वालों से कह रहा हूं, नलके लोकदल के झंडे भी हैं, कहीं वहां जाके ढूंढोगे नलका कहां है, नलका नहीं है। और नलके के पानी और कमल के फूल में तो वैसे ही व्यावहारिक संबंध है, वो तो रिश्ता बन ही गया, मजबूत रिश्ता, प्राकृतिक रिश्ता है, व्यावहारिक रिश्ता है, ईमानदारी का रिश्ता है। इस रिश्ते को और मजबूत करना, और मैं आपका ही हूं, कोई कसर मत छोड़िएगा। एक एक वोट मैं देखूंगा, बूथ की संख्या भी देखूंगा, लिबर हेडी तो देखूंगा, एक एक बूथ खोल के देखूंगा। मुझे वोट देनी हो तो करतार को वोट देना और पुष्कर धामी जी के प्रयासों को आगे बढ़ाना और नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाना। धन्यवाद, जय हिंद।